मोहनदास करमचंद गांधी की 56 साल की परपोती को दक्षिण अफ्रीका के डरबन की एक अदालत ने 60 लाख रुपए की धोखाधड़ी और जालसाजी के मामले में 7 साल की जेल की सजा सुनाई है। सोमवार को कोर्ट ने आशीष लता राम गोबिंद को दोषी करार दिया। उन पर एक कारोबारी एसआर महाराज को धोखा देने का आरोप था। एसआर ने भारत से एक नॉन एग्जिस्टिंग कंसाइनमेंट के लिए आयात और सीमा शुल्क के कथित रूप से क्लियरेंस के लिए 62 लाख रुपए दिए। इसमें महाराज को मुनाफे में हिस्सा देने का वादा किया गया था। लता राम गोबिंद प्रसिद्ध अधिकार कार्यकर्ता इला गांधी और दिवंगत मेवा राम गोबिंद की बेटी हैं। डरबन की स्पेशलाइज्ड कमर्शियल क्राइम कोर्ट ने लता को कन्विक्शन और सजा दोनों के खिलाफ अपील करने की अनुमति देने से भी इनकार कर दिया है। जब साल 2015 में लता राम गोबिंद के खिलाफ मामले की सुनवाई शुरू हुई थी तो राष्ट्रीय अभियोजन प्राधिकरण के ब्रिगेडियर हगवानी मुल्लोजी ने कहा था कि उन्होंने संभावित निवेशकों को ये समझाने के लिए कथित रूप से जाली चालान और दस्तावेज दिए थे कि भारत से लिनन के 3 कंटेनर भेजे गए हैं। उस समय लता राम गोबिंद को 50,000 रैंड की जमानत पर रिहा किया गया था। सोमवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया कि लता राम गोबिंद ने न्यू अफ्रीका अलायंस फुटवियर डिस्ट्रीब्यूटर के डायरेक्टर महाराज से अगस्त 2015 में मुलाकात की थी। कंपनी कपड़े, लिनन और जूते का इंपोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग और बिक्री करती है। महाराज की कंपनी अन्य कंपनियों को प्रॉफिट शेयर के आधार पर फाइनेंस भी करती है। लता राम गोबिंद ने महाराज से कहा था कि उन्होंने दक्षिण अफ्रीकी अस्पताल ग्रुप नेटकेयर के लिए लिनन के 3 कंटेनर आयात किए हैं। एनपीए की प्रवक्ता नताशा कारा के मुताबिक लता ने कहा, इंपोर्ट कोस्ट और सीमा शुल्क के लिए उनके पास पैसे नहीं थे, उसे बंदरगाह पर सामान खाली करने के लिए पैसे की जरूरत थी। लता ने महाराज से कहा कि उसे 62 लाख रुपए की जरूरत है। महाराज को समझाने के लिए लता ने उसे परचेज ऑर्डर दिखाया। इसके बाद लता ने महाराज को कुछ और दस्तावेज दिए जो नेटकेयर इनवॉइस की डिलीवरी नोट जैसा दिख रहा था। ये इस बात का सबूत था कि माल डिलीवर किया गया है और पेमेंट जल्द ही किया जाना है। नताशा ने आगे बताया कि लता राम गोबिंद ने नेटकेयर के बैंक खाते से पुष्टि की कि भुगतान किया गया था। राम गोबिंद की पारिवारिक साख और नेटकेयर दस्तावेजों के कारण महाराज ने लोन के लिए लिखित समझौता किया था। हालांकि जब महाराज को पता चला कि दस्तावेज जाली थे और नेटकेयर का लता राम गोबिंद के साथ कोई समझौता नहीं था तो उन्होंने अदालत का रुख किया। जिस दक्षिण अफ्रीका की धरती पर मोहनदास करमचंद गांधी को एक ट्रेन के डिब्बे से फेंका गया और उसके बाद उनका जीवन बदल गया, उसी दक्षिण अफ्रीका की धरती पर उनकी परपोती को यूं जेल जाना एक विडंबना ही कहा जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, द न्यूज़ बीक।